सरकार तो गूंगी बहरी है, सरकार को सुनना पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हमारा एकमात्र लक्ष्य है बिहार के छात्रों को उनका अधिकार मिले। उनकी काबिलियत नहीं है कि वो शिक्षा मंत्री बने, अगर उनकी काबिलियत होती तो आज इस शब्द को वो आह्वान नहीं करते। क्या हम लोग बिहार के लोग इतने सामर्थ्य नहीं है कि हमको नौकरी मिले? हमारे जगह पे हमारे नौकरी के जगह पे बाहर के लोगों को जिस तरह से समाहित किया गया है, उनको भी किया गया कि आप भी आवेदन कीजिए और नौकरी लीजिए, इसका हम विरोध करते हैं। ये रोजगार क्यों हमारे राज्य को दें? हमारे राज्य के लोग बाहर जाते हैं, सिर्फ नौकरी ही नहीं, बाहर के रेडी लगाने के लिए उस राज्य में हमें भगाया जाता है। तो हम अपने राज्य में अदर लोगों को, अदर राज्य के लोगों को हम क्यों अपने शिक्षा नीति में हम लाएं उनको? आज डोमिनेंट नीति को जो खत्म कर दिया और अदर राज्यों को अपने राज्य में आकर शिक्षक बनने के लिए जो आह्वान दिया है, इसके प्रति हम लोग ने निकाला है। वापस सत्ता में आने नहीं देंगे, जिसके कारण बिहार में जो दुर्गति हो रही है, जो बिहार की दुर्गति जो हाल उन्होंने बना रखा है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, उन्होंने कभी बिहार के प्रति नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ के प्रति जागा है। सर, आप लोग सीएम को जलाने पुतला निकल गए, क्या बात है? ये हमारे राज्य के प्रति बहुत ही दुखद समाचार है, जो उन्होंने आज डोमिनेंट नीति को जो खत्म कर दिया और अदर राज्यों को अपने राज्य में आकर शिक्षक बनने के लिए जो आह्वान दिया है, इसके प्रति हम लोग ने निकाला है। एक आह्वान उन्होंने किया जो कि शिक्षक को लाने, यानी इसका मतलब यह है कि हमारे राज्य में जो शिक्षक लड़के हैं, जो टीचर के लिए तैयारी करते हैं, यानी आपने उनकी काबिलियत को धो डाला, उनको ने आपने आईना दिखा डाला कि आप इस काबिल नहीं है, जिसके काबिल आपने किया है ये काम, जिसके काबिल आप ये नहीं कर सकते हैं। ये रोजगार क्यों हम अदर राज्य को दें? हमारे राज्य के लोग बाहर जाते हैं, सिर्फ नौकरी ही नहीं, बाहर के रेडी लगाने के लिए उस राज्य में हमें भगाया जाता है। तो हम अपने राज्य में अदर लोगों को, अदर राज्य के लोगों को हम क्यों अपने शिक्षा नीति में हम लाएं उनको? हम क्यों उनको टीचर बनाएं? क्या बिहार के लोगों में इतनी काबिलियत नहीं है? इस काबिलियत के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिया है, जिसके विरोध में हमने आज का ये पुतला दहन निकाला है नीतीश कुमार के खिलाफ। आगे क्या करेंगे? आगे नीतीश कुमार को और आगे की ओर 2024 और 25 के इलेक्शन में हम लोग उन्हें 2024 और 25 के इलेक्शन में हम लोग उन्हें वापस सत्ता में आने नहीं देंगे, जिसके कारण बिहार में जो दुर्गति हो रही है, जो बिहार की दुर्गति जो हाल उन्होंने बना रखा है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, उन्होंने कभी बिहार के प्रति नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ के प्रति जागा है। अपने स्वार्थ के प्रति ही उन्होंने बस अपना काम निभाया है, उसके अलावा और कोई काम नहीं। अगर उन्होंने काम किया होगा, अगर शिक्षा के प्रति उन्होंने काम किया होता, तो आज किसी भी गली चौराहे नुक्कड़ पे एक प्राइवेट स्कूल या एक प्राइवेट संस्था का कोचिंग नहीं होता। आज सरकारी स्कूल में सिर्फ हम तो तनख्वाह देते हैं, जो सरकार तनख्वाह पे करती है वो एक नाम के हम लोग के टैक्स का बर्बादी है, क्योंकि वो स्कूल वो कॉलेज सिर्फ एक डिग्री देना जानती है, वो भी डिग्री 4 साल के जगह 3 साल के जगह 4 साल में, 4 साल के जगह 5 साल में होती है। ये सब के विरोध में हमने नीतीश कुमार के खिलाफ आज मोर्चा निकाला है और ये आगे उनके खिलाफ चलता रहेगा। शिक्षा मंत्री तो ये कहते हैं कि मैथ, साइंस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में टीचर की काबिलियत नहीं है। मैं आपको बता दूं, उनकी काबिलियत नहीं है कि वो शिक्षा मंत्री बने, अगर उनकी काबिलियत होती तो आज इस शब्द को वो आह्वान नहीं करते। भरे मीडिया में बिहार के राज्य को पूरे देश में जलील नहीं करते इस तरीके का काम करके। क्या नाम आपका? मेरा अमित कुमार कुशवाहा, पटना महानगर युवा अध्यक्ष। नई शिक्षा नियमावली में बदलाव के बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो सड़कों पर निकल गई है, नीतीश कुमार का आज पुतला दहन किया गया। हमारे साथ खास बात करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। आज किस लिए आप लोग पुतला दहन किए? जिस तरह से बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर दोपहर नीति को वापस लागू किए हैं, उसका हम लोग भरजोर विरोध करते हैं। क्या हम लोग बिहार के लोग इतने सामर्थ्य नहीं हैं कि हमको नौकरी मिले? हमारे जगह पे हमारे नौकरी के जगह पे बाहर के लोगों को जिस तरह से समाहित किया गया है, उनको भी किया गया कि आप भी आवेदन कीजिए और नौकरी लीजिए, इसका हम विरोध करते हैं। क्या हमारे बिहार के छात्र उतने उत्तीर्ण नहीं हैं कि वो नौकरी पा सके? जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री ने कहा है कि हमारे यहाँ गणित के शिक्षक नहीं है, गणित विज्ञान के शिक्षक नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं। आप काबिलियत तो देखिए पहले, अगर काबिलियत नहीं है तो इसके लिए दोषी कौन है?
इसके लिए भी दोषी बिहार सरकार है। बिहार सरकार 20 वर्षों में क्या एक शिक्षक नहीं बना पाई कि उनको बाहर के लोगों को बुलाना पड़ रहा है? हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले, बिहार के शिक्षक, बिहार का जो हक है वो उनको मिले, इसका हम विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपकी बातों का आप पुतला दहन किए हैं, आपकी बातों सरकार सुनेगी? सरकार तो गूंगी बहरी है, सरकार को सुनना पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हमारा एकमात्र लक्ष्य है बिहार के छात्रों को उनका अधिकार मिले, उनका जो हिस्सा है वो उनको मिलना चाहिए। क्या आपको पता होगा कि महिला रेसलर जो आरोप लगा रहे ब्रजभूषण सिंह के ऊपर वो सही नहीं है, उसके लिए आप लोग कब उत्तर नहीं, नहीं आरोप लगा रही है उसके लिए केंद्र सरकार करेगी। वो हमारा मसला नहीं है, हमारा क्या वो देश की बेटी नहीं है? हम नहीं, देश की बेटी है, इसमें कहा मामला है, देश की बेटी है। देश की बेटी आज सड़कों पर है तो आप लोग क्यों नहीं उनका आवाज उठाएंगे? जरूरत पड़ेगी, जो उठाएंगे आवाज कब पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी मतलब कब पड़ेगी? जरूरत बेटियों के साथ आप लोग कब? हम लोग हमेशा उनके साथ हैं, हम लोग हमेशा देश की बेटी के साथ हैं। जरूरत पड़ेगा उसके लिए उठाएंगे आवाज, हम आवाज उठाएंगे। पता होगा आपको कि एक अभी शिक्षा पर निकला, शिक्षा में बदलाव किया गया तो आप लोग उतर गए, ठीक है? लेकिन देश की बेटी बदलाव को लेकर नहीं, शिक्षा में बदलाव को लेकर नहीं, हम लोग बिहार के छात्रों के भविष्य को लेकर उतरे, सड़क उतरे हैं। शिक्षा बेटियों के भविष्य के लिए नहीं, एकदम जब जरूरत पड़ेगा उसके लिए करेंगे, हम लोग करेंगे आंदोलन। देखिए ये उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के नेता थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार के जो शिक्षक हैं यानी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये लोग सड़क पर उतरे। लेकिन आपको पता होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी आरोप लगा है, जो महिला रेसलर है वो उन्होंने आरोप लगाया है उन पर, जब ये सवाल करते जो भागते हुए नजर आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।